हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं और इसके रिव्यू वीडियो भी बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो स्टॉक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो एग्रोकेम सेक्टर से आती है और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट में अपने निवेशकों को। तो इस वीडियो के जरिए हम लोग इसके जो फुल फंडामेंटल है उसको एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी वर्तमान में कैसा बिहेव कर रही है, इसके रिजल्ट कैसे रह रहे हैं, अभी इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और लेटेस्ट क्वार्टर वन के जो नतीजे आए थे वो इसके कैसे देखने को मिले थे, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस कंपनी में क्या वो पोटेंशियल बचा हुआ है कि ये आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधे आते हैं इसके रेवेन्यू ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी के अगर रेवेन्यू ट्रेंड को देखा जाए दोस्तों, तो FY10 में ये 542 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, जो कि FY21 आते आते ये 4577 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है रेवेन्यू के मामले में इस कंपनी ने। अब दोस्तों बात करते हैं, रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा जनरेट की है ये कंपनी, लेकिन रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उससे ये नेट प्रॉफिट निकाल पाई है कि नहीं। तो इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY10 में ये 41 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि FY21 आते आते 378 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पूरे पीरियड ऑफ कंसिडरेशन में इनके जो नेट प्रॉफिट हैं तकरीबन 19 टाइम्स हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं दोस्तों अभी तक के ट्रेंड से कि इसके रेवेन्यू भी लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़े हैं और इनके नेट प्रॉफिट भी काफ़ी तगड़े ग्रोथ से रेट से हम लोग बढ़ते हुए देखे हैं और यही वजह है कि ये स्टॉक पास्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न हम निवेशकों को दिया है, जिसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के बीच में कहीं पर करेंगे। अभी हम लोग फर्दर इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देख लेते हैं। इस कंपनी की मार्जिन की बात करें कि कितना मार्जिन पर ये कंपनी काम कर रही है, तो हम लोग देख रहे हैं इसके मार्जिन जो करंट है वो तकरीबन 16.13% देखने को मिल रहा है और एवरेज मार्जिन दोस्तों यहाँ पर देखिए ये तकरीबन 15% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये डबल डिजिट में मार्जिन इंजॉय करती है, यानी कि काफ़ी अच्छे ढंग से ये अपने बिजनेस को रन कर पा रही है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं करंट में इनका ICR तकरीबन 36 देखने को मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज है उसके इंटरेस्ट को बेयर करने में ये कंपनी पूरी तरह से सक्षम देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो रिजर्व बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए इनके रिजर्व में भी काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। EPS को भी अगर हम लोग चेक करें तो FY21 में इनका EPS तकरीबन 49 देखने को मिल रहा है, जो कि FY10 में मात्र 2.33 देखने को मिल रहा था। तो इनके EPS भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ रेट से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स लगातार अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ये कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, न केवल रेवेन्यू के मामले में बल्कि नेट प्रॉफिट के मामले में भी, और इनके रिजर्व लगातार बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्क्रीन पर कंपनी देखने को मिल रही है और इसका शेयर भाव 3402 रुपये देखने को मिल रहा है लास्ट ट्रेडिंग डे में। और ये कंपनी दोस्तों कौन सी है, तो आपकी जानी मानी पहचानी कंपनी PI इंडस्ट्रीज है। तो अगर हम लोग इसके रिटर्न प्रोफाइल को चेक करें दोस्तों, तो ये मैक्सिमम पीरियड में देखिए कितना तगड़ा रिटर्न दी है, 4522% का, यानी कि जो भी निवेशक इसमें लाइफ टाइम से निवेशित हैं उनका पैसा ये कंपनी तकरीबन 46 टाइम्स कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके फंडामेंटल को देखा था काफ़ी तगड़े देखने को मिले थे, उसी प्रकार से इस कंपनी ने अपने लाइफ टाइम में अपने निवेशकों को रिटर्न भी दिया है। तो अब बात आती है दोस्तों, क्या ये कंपनी आगे भी इस प्रकार के परफॉर्मेंस दिखा पाएगी, तो बिल्कुल दिखा पाएगी दोस्तों, क्यों नहीं दिखाएगी। इसके जो रिजल्ट हैं
वो एकदम कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं, एकदम स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस दिखाया है इस कंपनी ने और इसी वजह से इतना अच्छा रिटर्न दिया है और ये स्टॉक आगे भी रिटर्न दे सकता है। तो हम लोग इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं दोस्तों, क्वार्टर वन के, उसको चेक कर लेते हैं, वहां पर ये कंपनी कैसा प्रदर्शन की है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इनके जो क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं उसमें 1194 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किए, जो कि क्वार्टर फोर में 1197 करोड़ देखने को मिला था। तो इनके जो रिवेन्यू है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट म्यूटेड है, लेकिन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये मार्च क्वार्टर में 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि जून क्वार्टर में ये बढ़कर के 187 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसके रेवेन्यू तो म्यूटेड रहे लेकिन इनके नेट प्रॉफिट हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इनका जो मार्जिन था मार्च क्वार्टर में वो 15% देखने को मिल रहा है, जबकि जून क्वार्टर में ये बढ़कर के 16% होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसीलिए इनके नेट प्रॉफिट में हम लोग जंप देख रहे हैं। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू का मिलान करें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ये 1060 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार जून क्वार्टर में बढ़कर के 1194 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ये 146 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार जून क्वार्टर में बढ़कर के 187 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर इनके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इनके मार्जिन में हम लोग इम्प्रूवमेंट होता हुआ देख रहे हैं। तो काफी बेहतरीन रिजल्ट ये प्रस्तुत की थी क्वार्टर वन में पीआई इंडस्ट्रीज, और जैसा कि हम लोग देखा कि पास्ट में भी ये कंपनी काफी अच्छा रिजल्ट लेकर के आई है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके जो क्वार्टर टू के नतीजे रहेंगे वो भी काफी शानदार रहेंगे, और जिस भाव पर ये शेयर चल रहा है आने वाले दिनों में इन स्तरों से भी काफी ऊपर जाकर के ये ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग अपने हिसाब से देखें कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं कि बड़े निवेशकों का रुझान इस स्टॉक के प्रति क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग तकरीबन 51.3% देखने को मिल रही है, वहीं एफआईज की होल्डिंग इसमें 21.5% देखने को मिल रही है, वहीं म्यूचुअल फंड भी 14.5% देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग बोले दोस्तों तो जो बड़े निवेशक हैं उनका भी इसमें होल्डिंग काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है, ये करीब करीब 36% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बड़े निवेशक भी इस स्टॉक को लेकर के काफी बुलिश हैं, और बुलिश हो भी क्यों नहीं, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये कंपनी जिस प्रकार के रिजल्ट पास्ट में लाई है वैसा ही फ्यूचर में भी लाएगी, और इसके स्टॉक प्राइस इन स्तरों से भी काफी ऊपर जाते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके भी पोर्टफोलियो में पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें कि आपने किस भाव पर पीआई इंडस्ट्रीज को बाय किया है, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है पीआई इंडस्ट्रीज की कि अगले 5 साल में ये कहाँ पर ट्रेड कर सकता है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के इस प्रश्न का जवाब जरूर लिख करके बताएं। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।